भगवा कपड़े पहने बाबा का आतंक जीना मुहाल है मोहल्ले वालों का। आइए आपको बता दें वो भगवा धारी आतंक फैलाने वाला बाबा कौन है। रामपुर जिले के शाहबाद कस्बे में मोहल्ला अमीर अली सादात में ठाकुर द्वारा स्थल मंदिर का महंत उमेश यादव है। महंत उमेश यादव के नाम पर इसके हिस्ट्री सिर्फ अपराध से भरी हुई है और इस मोहल्ले में ये आतंक का पर्याय बना हुआ है। इसके खिलाफ बेहद संगीन मुकदमे अलग अलग जनपदों में पंजीकृत हैं। इस पाखंडी बाबा का जब मन करता है तभी किसी न किसी मोहल्ले वाले से मारपीट, फायरिंग, गाली गलौज आम बात है। डर के साए में जी रहे मोहल्ले वाले। अभी ताजा मामला 13 तारीख का है जब मोहल्ले में रहने वाले बजरंग दल के पूर्व तहसील संयोजक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर शारीरिक प्रमुख प्रमोद शर्मा के पुत्र को अपने ताऊ के घर जाते समय नशे में चूर महंत उमेश यादव बाबा ने अपना भौकाल कायम रखने को रास्ते में रोक कर डंडे से मारा पीटा और गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस भगवाधारी पाखंडी अपराधी महंत उमेश यादव बाबा को मोहल्ले में प्रमोद शर्मा के अलावा और कोई नहीं टोकता। इसी बात को लेकर महंत उमेश यादव बाबा मन में उनसे रंजिश रखता है और आए दिन इनके और इनके परिवार पर अपनी बदमाशी का आपराधिक भौकाल कायम करना चाहता है। इसी क्रम में समय समय पर मोहल्ले में उत्पात करता रहता है। इस भगवाधारी महंत उमेश यादव बाबा का लंबा आपराधिक इतिहास है। इस महंत उमेश यादव के खिलाफ थाना शाहबाद, थाना रामपुर और मुरादाबाद जनपद की कोतवाली थाना गल शहीद थाना नागफनी में भी संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जो अदालत में विचाराधीन है। बावजूद इसके शाहबाद पुलिस को चाहिए कि इस तरह के अपराधी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि मोहल्ले के लोगों का महंत उमेश यादव के खौफ से मुक्ति मिले और जीना मुहाल हो सके और चैन की सांस ले सकें। बजरंग दल के पूर्व तहसील संयोजक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर शारीरिक प्रमुख प्रमोद शर्मा ने अधिकारियों को पत्र देकर इस महंत उमेश यादव बाबा से अपनी और अपने परिवार के लोगों की जान को खतरा बताया है। इस भगवाधारी महंत उमेश यादव बाबा ने अपना एक आलिशान मकान तहसील के आसपास के क्षेत्र में भी बना रखा है। दबी जुबान से आसपास के लोगों का और प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि रात के अंधेरे में इस मकान में संदिग्ध लोगों की आवाजाही लगी रहती है जो कभी कभी तो पूरी रात जारी रहती है। अगर लोगों की सच माने तो इस मकान को भगवाधारी महंत उमेश यादव बाबा ने इसे अपने अय्याशी का अड्डा और अपराधियों की शरण स्थल ही बना रखा है। जनपद के आला अधिकारियों को इस प्रकरण को हल्के में ना लेकर गंभीरता से लेना चाहिए। प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं कि अधिकारियों से जान की गुहार लगाने वालों की पुलिस ने नहीं सुनी और पीड़ित की हत्या जैसे घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दे दिया है। शायद जनपद रामपुर की पुलिस के अधिकारी भी इस प्रकरण को संज्ञान लेकर किसी अनहोनी घटना को होने से रोक सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान न्यूज 24। क्या नाम आपका? कारण है? क्या मामला है बताएंगे? मैं जो ठाकुर द्वारा मंदिर है, मतलब मैं चाचा जी के यहाँ जा रहा था अस्थल मंदिर, मतलब मोहल्ला सादात लगता है। तो वहाँ से जाते समय जब मैं जा रहा था तो ये महंत उमेश दास जो ठाकुर द्वारा मंदिर, ये वहाँ से पीछे से एकदम से आया और इनने मेरे डंडा मारना शुरू कर डंडा मारा और मुझे गिरा दिया, लाते घूसा मारना शुरू कर दिया और बोला कि मेरे घर पे झाँकते हो, मेरे गेटों पे झाँकते हो, ऐसे करके उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो चाचा जी के यहाँ जा रहा था। उसकी कंप्लेंट की थी आपने? जी कंप्लेंट की थी इस थाने? जी कंप्लेंट की थी, NCR दर्ज हो गई। और क्या नाम? शर्मा। आप सीरत की कौन है? माँ। क्या मैटर बताएंगी? मैटर आए तो लड़का जा रहा था चाचा के यहाँ, उसने उमेश दास ने मारपीट की, आए दिन गाली गलौज करता रहता, परेशान करता है मोहल्ले वालों, उसका आतंक है, गुंडागर्दी के मोहल्ले में देख के गालियाँ भी देता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है और मैं सीरज का पिताजी हूँ। बेटा है मेरा ये 17 तारीख को शाम 8 बजे अपने चाचा के यहाँ जा रहा था अस्थल मंदिर में बराबर में, वहाँ पर महंत उमेश दास ने लाठी दे के इसको मतलब देखते ही मारना शुरू कर दिया, गाली गलौज। जिसको मैंने इसको थाने ले जाके इसकी NCR दर्ज कराई, मेडिकल हुआ है। ये महंत उमेश दास जो है सात्विक किस्म का अपराधी है, इसके खिलाफ अन्य भी अब संगीन अपराध के मुकदमे सावर थाने में, थाना नागफनी और गलत ही मुरादाबाद में दर्ज है।
ये आए दिन मोहल्ले में लोगों के साथ मारपीट करता है, उनको परेशान करता है। तहसील के सामने इसका एक मकान बना रहा है, वहाँ से असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देता है, अय्याशी का अड्डा चलाता है।